अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने रहमान में रखे, अपनी खुशी रहमत में बरकतों से नवाजे। आमीन। वाइट चने वाले चावल में तो आ रही थी, चने जो है रात पर भिगो छोड़े और सुबह उनको जो है उनका पानी चेंज किया। आजकल गर्मी है ना तो वो हो जाता है। फजर के टाइम उठी थी तो उसका पानी निकाल के तो फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि इसमें से मजीद इसमें स्मेल ना आए पानी में या चनों में ना पड़ जाए। फिर इसको नमक डाल के तो इसमें कोफ्ती सी बना के डालते हैं। उसमें लहसुन अदरक प्याज साबुत गरम मसाले सूखा धनिया ये सारी चीज़ें होती हैं तो इससे वो जो है ना चनों में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, पुलाव जैसा यखनी बड़ी अच्छी निकल आती है। फिर उसी का पानी इसमें चावलों में डाल जाता है, पानी भी इस्तेमाल कर रख लेते हैं। उसके अलावा जो है बड़े साइज़ का एक प्याज ब्राउन किया, फिर लहसुन चौक चौक करके इसमें डाला। अदरक कटा हुआ मुझे पसंद है इसलिए मैंने वो चौक नहीं किया। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप उसको चौक करके डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर चावलों में बहुत अच्छा आएगा। सब्ज मिर्चें डाली और साबुत सारे गर्म मसाले की थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल दी, जीरा डाला इसमें, बड़ी इलायची डाली, लौंग दो डाल दिए, दालचीनी डाल दी, एक फ्लावर इसमें डाल दिया और ये तेज़पात और थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया थोड़ा सा आटे के निकल वो डाल के दो टमाटर भी डाले थे। हाँ जी, पहले मसाले भूने सारे लहसुन अदरक वाले, फिर टमाटर डाले, फिर इसमें गरम मसाले डाले, फिर उसके बाद अब चने डाल के पानी इसमें नमक डाला दो चम्मच, दो गिलास ही मेरे पास चावल है, आधा किलो मेरे पास चने थे तो उसमें से कुछ मैं निकाले हैं चना चाट के लिए और बाकी जो है हम चावलों में डाल देंगे। नहीं जी ये पक चुके हैं, अब इसके चावल डाल रहे हैं। एक मिनट में आपको अगला बाद में दिखाऊँ। चावलों को आधा घंटा पहले भिगो दिया था ताकि अच्छे से बन जाए। इसमें फिर मैंने बताया जब मसाले भुन गए थे तो इसमें मैंने तकरीबन जो है स्पाइस कम रख रहे थे इसलिए आधी चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच नमक के नमक का होते ज़रूर तेज़ हल्का जैसा खाते हैं, दो चावलों में तकरीबन दो चम्मच डेढ़ चम्मच चला जाता है, बाकी आप चख के भी डाल सकते हैं। वो डाला ज़रा सी हल्दी डाली, अभी साबुत ही डाला है, पिसा हुआ गर्म मसाला मैंने नहीं डाला। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं क्योंकि इसमें हर दफ़ा बिरयानी मसाला ज़रूर डालती हूँ, मेरे बेटे को पसंद है इसलिए सिर्फ एक चम्मच बिरयानी मसाले का डाला है। अब ये पकेंगे अच्छी तरह फिर इसको दम लगा दूंगी, फिर इसमें चाहे तो फूड कलर डालें और ये मज़ेदार चने वाले चावल अचार चटनी के साथ खाएं, इंजॉय करें। लें जी ये चने वाले चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं जैसे मैं चाह रही थी, बहुत टेस्टी बने हैं। देखिए चावल का फ्लेवर आ रहा है, ऐसे ही सारे लोग आजमा डालें तो ये चावल मज़ा देते हैं। इसके साथ घर का अचार डाला हुआ, लसूड़े मिर्चें आम करेले लहसुन अदरक सारा कुछ मैंने इसमें डाला हुआ। साथ वो अचार रखूँगी, साथ धनिया पुदीने की चटनी, साथ प्याज और लीमू वाली सलाद होगी तो एंजॉय करेंगे, खाते हैं। आप भी बनाइएगा और इसमें से एक प्लेट जो है मैंने किसी को भेजनी है, किसी भी गरीब के घर, आप गरीब के घर क्या गरीब को यानी कि आप डेली कोशिश होती है कि एक वक्त का खाना एक प्लेट एक रोटी सालन डेली रूटीन में हमारी, हमें किसी एक बंदे को जो मुस्तक हो ज़रूरतमंद हो उसे देना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं चावल भी दूंगी ज़रूर, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने दिए में से उनके दिए अल्लाह के दिए में से हम भी आगे देते रहें और ये सिलसिला चलता ही रहे। आज एक है कल दस हों परसों सौ हों, अल्लाह तौफीक दे। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है और मुझे बड़ा ही शौक़ है कि मैं बांटती ही रहूँ। आमीन। चले जी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके चावल कैसे बने।